बीते दिनों बचिंडा के अहाता नियाज मोहम्मद में रहने वाले ब्राह्मण वर्गीय युवक दीपू शर्मा को कुछ पड़ोसियों ने बिना वजह जमकर पीट डाला, जिसे गंभीर चोटें आई हैं। जब इस पूरे मामले के बारे में जांच अधिकारी से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी और उस मामले की जाँच की जा रही है। जाँच में जो भी पक्ष दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेशेंट अपने को आए एक रात हम 2 बजे करीब, दीपू शर्मा है उन्होंने नाम, अमरिक सिंह रोड तो कोई उन्होंने लड़ाई वगैरह हुई है, किसी ने मारिया है तो सिर पर सट्टा बजी हुई उन्होंने, तो बस उन्होंने स्टिचिस वगैरह लग चुके, उन्होंने MLR जो उन्होंने पुलिस कार पर बांधी सी कट्टी गई, हूँ बस जेर इलाज में है, साढ़े को दाखिल ने। कंडीशन ठीक है, स्टेबल है पेशेंट। किन्ने 4-5 टंके लगे। ਇਹ ਕਤਵਾਲੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ SHO ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਲਏ ਆ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਫਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੀਪੂ ਸ਼ਰਮਾ, बुधवार की बात है जी, रात की करीब 11 बजे मेरी रेडी लगती है आगरा चाट भंडार के नाम से, लड़के काम करते, मैं उनके साथ आया था तो मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे थे, जो पिछली मेरा मकान है 2 गलियों में लगता है, 4 नंबर और 5 नंबर में हाता नियाज मोहम्मद में रहता हूँ मैं, तो मैं 5 नंबर गली के साइड में जाकर, वहाँ पर मेरा गली में कूलर लगा हुआ है, उससे दीवार से मैं टिक्के खड़ा हो गया था। रात करीब 12 बजे का टाइम था, गली की लाइट नहीं थी बिल्कुल और घरों की लाइट नहीं थी, सिर्फ मेरे घर की लाइट थी उस टाइम। मैं टिका हुआ था क्योंकि मुझे वॉमिटिंग आ रही थी, तो मैं दीवार से टिका हुआ और जो मेरे सामने वाले घर वाले हैं उनको ये लगा मैं बाथरूम कर रहा हूँ, तो मैं टिका हुआ था। जब वो मुझे आकर एकदम गाली देने लग गए कि भाई तू यहाँ पर खड़ा होकर बाथरूम कर रहा है, तो मैंने उनसे सॉरी भी बोल दिया था कि नहीं मैं बाथरूम नहीं कर रहा, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, मैं अभी रेडी खींच कर लाया हूँ, इस करके मैं परेशान हूँ। तो उन्होंने उसके 2 लड़के और 2 बगल वाले के जो लड़के हैं मोंटी औरों के मैं नाम नहीं जानता, पर वो आए एकदम, मैं इतना सॉरी बोल के, मेरी मैडम ने भी उनसे कहा कि नहीं नहीं ये बाथरूम नहीं कर रहे, ये खड़े हैं, इनकी तबीयत ख़राब है, इतना बोलकर मैं अंदर घुसा हूँ। बस वो 5 जने, एक तो सामने वाली लेडीज़ थी, उनका हस्बैंड और उसका लड़का एक, और 2 बगल वाले घर के लड़के हैं, जो वो चाचा ताऊ के लड़के हैं सारे, वो मेरे घर में घुस के मेरे साथ गाली गलौज की और मेरे साथ मारपीट की, तो मेरी वाइफ ने छुड़ाया तो उसमें भी लपड़ वगैरह मारे उन्होंने और खूब गालियां दी उसको, और जब मैंने काफ़ी ज़्यादा होने लग गई घर में घुस के तो उन्होंने धक्के मुक्के मारे, और एक मॉन्ट जो इसका नाम हैप्पी है लड़के का, उसने मेरे सिर में ईंट मारी तो मैं बेहोश होकर गिर गया, मतलब पूरी तरफ बेहोश नहीं हुआ था, होश था मुझे। फिर उसके बाद मैं उठकर घबराहट के मारे, जब मुझे मार रहे थे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, तो मैं वहाँ से भागा, भागकर मैं कोतवाली गया, कोतवाली में मैंने सारी बात ये बताई कि जी ये बात हुई है मेरे साथ, तो ये ऐसे करके मैं खड़ा था यहाँ पे, उनको सब बता दिया मैंने, पर पता नहीं कोतवाली वालों ने क्या समझा क्या नहीं समझा। उसके बाद फिर मेरा भाई आ गया था जुगनू शर्मा, वो मुझे अस्पताल लेकर आया, मुझे अस्पताल एडमिट कराया, मेरी हेड इंजरी हुई है, आज मुझे 6 दिन हो गए एडमिट हुए, पुलिस वाले अपना SHO साहब आए थे यहाँ पर, मेरा हालचाल पूछकर गए, उसके बाद बयान हुए, पर उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। देश विदेश टीवी के लिए बठिंडा से यशपाल और धर्मेंद्र कुमार विक्की की विशेष रिपोर्ट। नवियां अते ताजियां खबरां देखने लई साडे YouTube चैनल देश विदेश टीवी नू लाइक शेयर सब्सक्राइब किता जावे।